अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने Redmi 13 C में जो बूट लोडर है उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपने Redmi 13 C का जो बूट लोडर है उसको ऑलरेडी अनलॉक किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने अपने Redmi 13 C में जो बूट लोडर है उसको अनलॉक करना है। तो वीडियो को हमें शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है। चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपने जो इसका बूट लोडर है उसको अनलॉक करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपने अबाउट फोन में चले जाना है। तो यहाँ पर आपने OS वर्जन होगा, तो यहाँ पर आपने 4 से 5 बार टैप करना है, तो जिससे हमारा जो डिवेलपर ऑप्शन है वो इससे एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 से 5 बार टैप कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिवेलपर ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो हम यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से हम कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हमने यहाँ से ऑन करना है बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले OEM अनलॉकिंग लिखा हुआ है, तो आपने इसको सबसे पहले एनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे आपने अपना जो पिन पासवर्ड है यहाँ पे उसको एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है MI अनलॉक स्टेटस, तो आपने यहाँ पे चला जाना है। तो उसके बाद आपने ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। याद रखें, जब भी आपने अपने डिवाइस का अनलॉक बूट लोडर अनलॉक करना है तो आपने अपने मोबाइल डाटा को ऑन करना है, ना कि वाईफाई को। तो तभी ये जो मेथड है ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हमने इनेबल कर लिया है। अब आपने सिंपली अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद अपने डिवाइस को अपने फास्ट बूट मोड में लेके जाना है। तो उसके लिए आपने वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन जो है वो आपने कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस किए रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका मोबाइल है वो फास्ट बूट मोड में चला गया है। तो आपने अब जो अपने डाटा केबल है आपने उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है और अपने PC या लैपटॉप में चले जाना है। तो बाकी जो प्रोसीजर है मैं आपको वहाँ पर जाके बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पर हमारी डिवाइस जो है कनेक्ट हो चुकी है PC के साथ। अब हम अपने PC में आ गए, तो यहाँ पे MI फ्लैश अनलॉक है। इस ऐप को आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो MI का अकाउंट है आपने वो यहाँ पे डिटेल सारी देनी है जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखें, जो आप अपने मोबाइल में MI का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वही आप इस सॉफ्टवेयर में जो MI अनलॉक है उसको में आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है इसका अकाउंट वो ऐड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बाकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो बताता हूँ। यहाँ पे आपने डिटेल वगैरह दे के आपने सिंपली यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके MI अनलॉक का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कह रहा है कि आपका डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं है। दोबारा यहाँ पे अपने मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे डाटा केबल को उतार के, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी डिवाइस है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही कनेक्ट होती है तो आपका जो मोबाइल है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो अपने डाटा केबल है उसको उतार के लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा फ़ोन है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब आपने सिंपली जो नीचे अनलॉक का बटन है आपने इसको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको वार्निंग देगा कि आपके मोबाइल का जितना भी डाटा है, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, वो सारा इसमें डिलीट हो जाएगा। तो याद रखें, जब भी आप बूट लोडर को अनलॉक करते हैं तो आपका जितना भी डाटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करने के बाद जो हमारा प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आप ये देखेंगे जो 100% होने के बाद जो हमारा, ये आप देख सकते हैं जो हमारा बूट लोडर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे यहाँ तक जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोबाइल पे चलते हैं और यहाँ मोबाइल पे हम आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनलॉक का स्टेटस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो छोटा सा ताला आपको नज़र आ रहा है ये लॉक का, यहाँ पे ये अनलॉक है, इसका मतलब है जो इसका बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। तो अब हम जल्दी से इसके सेटअप को कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी मैं आपको सेटिंग में जाके भी दिखा देता हूँ जिसका बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है।
फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सेटअप को कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमने दोबारा सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फोन में जाना है। उसके बाद जो ओएस वर्जन है उस पर हमने 4 से 5 बार फिर टैप करना है, जिससे हमारा डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ से एनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपने डिस्कस सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आ जाना है डेवलपर ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपने MI अनलॉक स्टेटस, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारा जो बूट लोडर अनलॉक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बूट लोडर है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो ये सिंपल सी एक मेथड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।